बोल सखी तैं अच्छी तरह जाने महल वाला ने फारिस चाहिए। जानू मैं, बड़ी अच्छी तरह जानू मैं, फिर भी अपनी कोकने हरी को ना होने दूंगी मैं। हो जाएगी, तन्ने इतनी बेसब्री का है। मारे माता सबर है, पर मारी उम्र ने बेसब्री की लांग टापनी शुरू कर दी। अब हम जावे के हम बेजान लाठी का सहारा लेने के बजाय अपने पोते के मुड्ढे पे हाथ रख के चले। पोती हुई थे ये सोचने की हिम्मत तो इस महल की दीवार में भी कोना। और ते मरा पूत हो के यो बात कर गयो। मैंने कर्जली बता रही थी कि थारे और हमारे ससुर ने अपनी लुगाई ने जिंदा दाब दिया था रेत मा। उसका कसूर कोना था, चोरी जड़ी थी उसने बस। सुना था, सच्ची बात करो तो बुढ़ापे में गुस्सा आ जाए। जे क्यामत की निशानियां होए ना, यो बुढ़ापे की निशानी होए। महलवाला की नजर में इससे बड़ा जुर्म कोना। जे इतनी नफरत है छोरी से, तब फिर दूसरों की छोरी पे आके क्यों लावे महल में? इन्होंने तो बस सर पे सेहरा बांधने की आदत पड़े। जिन्हें सर पे वजन आदत पड़ जावे, उसे गर्दन के मणके ने टूटना पड़े रखना। एक पते की बात बताएं तन्ने, जरा गौर से सुनियो। लोहे से जब लोहा टकरावे ना, तो उस लोहे का नुकसान सबसे ज्यादा होए जो गर्म होए। समझ रहे ना बात मारी? कछली बंदूक की नाली तेजाब से साफ कर, गोली फंसनी नहीं चाहिए। या हो गया अम्मा, दादा जवान होके बैठी है। देख रहा गुल्लू, जिसका कोई ना होवे ना, उसका अल्लाह साई होवे है। या हो गया बात कर दी, मैं तारा बेटा नहीं हूं क्या? हाँ है ता, पर मारे बेटे नु ता वेली कोई ना मिले। बस आवे है, हाल पूछे है, दो चार बुरकिया रोटी की देवे है, कड़वी दवाई खवावे है, फिर तय कौन मैं कौन, यो जा वो जा। यो बात करके तन्ने मारा दिल तोड़ दी। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी धारे साथ। धारे साथ तो मन्ना है, बहुत प्यार है। चले बता दे कौन आया है। चिमनी चिमनी
हाँ चिमनी वो कमर बीमार हो गवा उसके इलाज वास्ते सार आई थी मन्ने मिलने भी आ गई तो कहने लगी अम्मा यूं के हालत बना ली तन्ने अम्मा ता कुछ बोली को ना मैंने आप ही सवारना शुरू कर दिया ले अम्मा थारे लिए लाची वाली चाय बना के ले आई हूं गला खराब रहे है ना जी तेरा ठीक किया ना मन्ने इब कुछ दिन गोठ में ही रहूंगी खान पकान कर लूंगी मैं तन्ने बाली से बात की थी ये सारा दिन अपनी साईं की खिदमत गुजारी में लगा रहे है होती है हमारी बात बाली से आज फोन किया था बाहर गया वह बात नहीं हुई जब ठिकाने पे था ही नहीं तो बात कैसे होती सहर है ना सो काम होवे हैं चला गया होगा किसी काम से क्या पता लगता है हमारी तो दिल से दुआ हो रही है हमारा बाली जहां भी रवे अल्लाह साईं उसकी हिफाजत करे आमीन अम्मा ये ले चाय पी ओ बाली तेरे भाई का फोन आया था क्या कह रहे से कुछ नहीं मैं कहा बाहर गया हुआ कोई मैसेज नहीं दिया नहीं तनु की हो गया है तू परेशान क्यों हो जाता है यार अम्मा बीमार है फिक्र रहती है उनकी हमेशा यार एक तो तू गांव भी नहीं जा सकता ना चल तू फोन पे बात कर ली नहीं कर सकता मना किया है भाई ने वैसे भी फोन गोट के दुकान पे करेगा तो भाई खुद ही करेगा यार वैसे भी अजीब ही है इतनी भी क्या पाबंदियाँ अजीब हैं तेरे गाँव वाले हाँ अजीब से अपने जख्मों पे सब्र का मरहम रखते रहते हैं ले पकड़ ये किधर जा रहे हैं कसम है कजली ने अपने आग के कजले की मन्ने लागे है छोटा साई हथ की लांग टाप गया जब पूत अपने बाप पे जावे हो हथ के दायरे में कैद कोना रहे पर मन्ने लागे हसरत ने कायली कर दी बदलने में वापस परतना पड़ेगा नहीं तो मौत के आने में केवाड़ के खुलने और बंद होने की आवाज कौन आवे पतले की ठाण छोड़ दे फकीर है थारी बाणू अब बेवा बन गई है हरी जुदाई की सोच मन पे चैन को ना आने देवे आग मां आग डालकर बात करन आली मारी पालन हार आज इतनी कमजोर क्यों पड़ गई जिस आंख में महल वालों के लिए नफरत थी आज वो हंजू से भर गई है
खौफ धाक लगा के मारे दिल में बैठ गया है फकीरे। जो सर झुका के बैठे वो भी तो मारे है भानु, सही कह रही थी ना है? अब मन ने सर उठा के जीना है, मरने का कोना सोचू। फकीरे फकीरे ओ फकीरे, कहाँ जा रहे हैं? सही समझा इसने मारी बात, अब इसको समझ को ना आवे। मारा सगा होता तुम्हारे मान पे अपनी जान देता। जीवे जगे मारे जाने का पूछ के देखे करेगी, दुआ करूंगी। मन ने अब थारी दुआ की लोड़ को ना, पर मन ने तो थारी लोड़ है ना, छुपके देख लूं या सामने से, वरने सुकून मिल जावे। इब तो तू गाउन सुनने भी कौन आवे, पता है मारी आवाज भी ठीक हो गई इब तो। आज तू आवेगा ना तरने सुनाऊंगी, ते फिर आप ही कहेगा कि मासी मैं रोज सोने से पहले शानों से गौन सुन के सोऊंगा। मन्ने अब सोने की तमन्ना कोना रही शानू, इसलिए गौन सुनने को ना आऊं। मारी नजर अपनी भानों को पड़े आया था, गलती से हमारी आंख में नींद भी को ना आ गए, सब साख रूठ गया हमारे से। दुखता मारे मन का भी मालिक बन गया फकीरे, जितने नींद को ना आवे था आंख ते मारी भी कोना लागे। मारा एक काम करेगी ते बिना पूछे बोल, शानू इनकारी ना होवेगी। जे मन ने कुछ हो जावे तुम्हारी भाणों का ख्याल रखियो। ते इस पेंडे पे पैर ही क्यों रखे, जिस पर जाने से परतने की उम्मीद कोना। के करूं पूरी पान के घर में बैठ जाऊं, मारा भाषा मरी है बाप जैसा भाषा। बाप तो मारा भी मर गया। थारे और मारे बाप के मरण में आई और लाई का फर्क है शानू, बड़ा जी लिया उन्होंने जिन्होंने मेरा जीना औखा किया है। अल्लाह तन्ने सब्र दे फकीरे, और मैल वाले आने नेकी की हिदायत। तो यूं ही दुआ रह गई है हमारे पास। कसम है कजली ने अपने आंख के कजले की, मंडे जैसी पैगाम मिला दौड़ी चली आई, बस थोड़ी देर हो गई मारी इस टांग की वजह से। बैठ जा, नीचे नहीं ऊपर बैठ। अपनी औकात से ऊपर उठ के बैठू तो नीचे गिर जाऊं छोटी बीबी। मारे होते हुए अब तई कोना गिरेगी कजली, बैठ जा। भार लागे थारी बात मनने, इसलिए बैठना तो पड़ेगा अपनी औकात से उठ के। जो हुक्म कर गुजरो कजली पूरा कर जावेगी। मने 3 महीने हो गए इस महल में, यो गिनती तो बड़ा साई भी गिन रहा था पिछले महीने। वो सारी जिंदगी गिनती गिनता रहेगा, पूरी कोना होगी। पर मारा इल्म अधूरा रवे, ये मने अच्छा कोना लागे। पर इस घोट मां मास्टर कोना जो थारे इल्म ने पूरा करे। मारे इल्म की चोट किसी मास्टर की लोड़ कोना, फिर कौन करे पूरा? तई पूरा करेगी कजली। मन ने सुनन में गलती लागे है, ये तन्ने कहन में। छोटी बीबी
मैं तो अंगूठा भी ठीक से कोना लगा सकूं। इसे कोर्ट के किस्सा खानियों के अंगूठे भी पकड़ के लगाने पड़े, पर कहानी अच्छी सुनाई। चाहे अब बीती हो या जग बीती, कसम है कजली ने आपके कजले की। अब समझ आया? यो समझ आ गई ता शुरू हो जा। मारे ससुर के दो बेटे थे, एक ने खुदकुशी कर ली, सुनाए किसी छोरी से शक्कर बैठा था। सच्चा था, इसलिए झूठों से दूर चला गया। और वो छोरी? कोर्ट देखना चाह रहे हैं तें? यो हाँ, यो इजाजत लेने के लिए इजाजत की भी इजाजत कोना? जाने दे अब्बा साहब, यो हसरत की लुगाई है, इसके मन में कोई हसरत बाकी ना रह जाए, यो बात हसरत को कोना पसंद है। जा कजली के साथ जाके कोर्ट देखा। कपड़े तैयार कर दिया मैंने थारे। पलट कपड़े तो तैयार कर दिए, पर जब तक पकड़ाओगे नहीं पहनेंगे कैसे? जब मैं अपने माँ पे के घर में थी, हमारी सखियाँ मरा हाथ देख के कह रही थी कि मैं बड़ी भाग्य वाली है बीना, पर हमारा तारे साथ बड़ा प्यार करेगा। यो कैसा भाग?
सासरे में आई तब भाग ही नहीं रिया। मारे हक से इनकारी को ना बिना पर के करूं, मरण वाले का हक मारे को तुम सबसे दूर करता जावे। ते सब भूल जावे ता हम सब के मुख पे हासा आ जावेगा फकीरे। बड़ी कोशिश करो कि किसी ने मारे से कोई दुख ना पूछे, पर अब मारे पास दुख के सिवा कुछ भी कोना। सब ठीक हो जावेगा, सब ठीक हो जावेगा। चल भानु तने देख के खुश हो जावेगी, चल ना अपनी भानों के लिए इतना भी नहीं करेगा तय। जिंदो, यो जिंदो। अच्छा छोटी बीबी, ये है जिंदो का घर। जिंदो, अच्छा जिंदो, जिंदो यो 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 हसरत साईं की दूसरी लगाई है, लाडो ने मिलने आई है। तेस ने यहाँ पर लेकर क्यों आई है? तन्ने पता भी है कि फकीरा अब के हो गया फकीरे ने। मन ने कुछ ना हुआ मासी, पर ये महल वालों को बहुत कुछ होवेगा। मासी कजली, तेस ने यहाँ से वापस ले जा। यो अब यहाँ से कोना जावे भानो। तन्ने पता भी है ते के कह रहे हैं। जब महल वाले किसी के खून के बदले उसके घर की छोरी लावे, तब गोट वाले ऐसा क्यों ना कर सके? गोट वालों का खून खून कोना का? खून खून ही है। ता फिर बदले में झोल क्यों? यो रसम सिर्फ हम गरीबा पे लागू होवे। पर आज महल वाले भी उस रसम के कैदी बनेंगे। ना फकीरे ना, महल वाले तो जालिम है। अगर हम भी यो ही करेंगे तो हम में और महल वालों में के फर्क रह जावेगा? फर्क ना ही रहवे तो अच्छा है। ना फकीर, ना कसम है कजली ने अपने आप के कजले की, ते खबर को ना बदले में के हो जावे। ये बहोणी के होने से डर कोना लगे मन ने? मन ने डर लागे, डर लागे मन ने उस होणी से जो थारे ऐसा करने से मारे मरने का रूप ढाकर लावेगी। पहले भाड़ों का भाई मरेगा, फिर जुगड़ी को बंदी बनाकर महल मार रखेंगे, और फिर थारी भाणो लाडो की तरह जंजीरा पहनकर अगर यो सब कुछ हो गया तो भाणो जीते जी मर जावेगी। जिंदू ठीक कह रही है फकीरे, इसके जाने से आने वाली मुसीबत टल जावेगी। रहने दे मासी, कर लें दे से इसकी मनमानी। यो अगर मारा सगा होता तो पहली दफा हमारी बात मान लेता। कजली मासी, तेज ने यहां से ले जा, गुस्से का उबाल अभी माठा हुआ है, कम कोना हुआ। चल छोटी बीबी, चल। एक बहन के बंधे हुए हाथों की लाज रखियो, इस बात को मारी दहलीज के बाहर जाकर भूल जाइयो। उसका कसूर कोना, उसने अपनी भाणों को बेवा होते देखा। उसका गुस्सा गलत कौन है? चल कर ले।
और कजली तय इसको समझाने की कोशिश करना। इब के होएगा भाणो, मन्ने भी यो बात का समझ कौन आ रहा। अगर इसने महल में जाके कुछ बोल दिया तो बोलेगी जरूर, पर हमारे खिलाफ कौन आ? यो बात तन्ने कैसे पता? ये गोट की एक मजलूम से मिलने आई है, इसका मतलब है ये आप भी एक मजलूम है। और कोई मजलूम कभी किसी जालिम का साथ ना देवे, देख लेना देवी। बात है, जब से मारा दूसरा ब्याह है तन्ने मारे नजदीक आना छोड़ दिया। मैं ते आज भी वहीं खड़ी, तैं दूर चला गया। मैं दूर चला गया, सच कह रही है, मैं कोना मुड़ के देखा, तू तो वहीं की वहीं खड़े है, मारे उतरन पकड़ के। मैं मुलाजमान हूं, कपड़े दे। मैं थारे करीब आऊं तो तू मारे से जान छुड़ा के भागे? अपने भाग्य से भी कोई जान छुड़ा के भागे है क्या? अच्छा, कजली जी, मैंने अपने जुत्ते से गोट की मिट्टी झाड़ती, महल के भीतर जाना है। पता है बड़े साई ने गोट की मिट्टी अच्छी कोना लागे? तारे बड़े साई ने क्या अच्छा लागे क्या बुरा, ऐसे बात की फिक्र कोना मत। गोट की रेत तानने का मतलब यो है कि गोट की कोई भी बात माल के भीतर कोना जा। थारी बात मारी अकल में तो आ गई, पर बड़े साई ने कहीं से भी सो लग जानी है, तब तब गोट वालों की खुशी का के हुएगा? मड़े गोट की नहीं, ऐसे महल की खुशी बर्बाद करने की ठानी है। मजलूम तय भी है, गोट भी, मने भी जो लमसा लिया। और अच्छा है कितनी बहादुर बन जावे, मर्द के सामने कमजोर ही रहवे। औरत जब मर्द ने पीछे लगावे ना ता जन्नत भी छोड़नी पड़े।
या हो तो फिर महल है। कसम है कजली ने अपने आग के कजले की, थारी बात मां वजन है पर जे मैं इसका साथ दूंगी कि महल उजड़ जावेगा। पर हो सकता है मारी छोरी भी कहीं बस जावे। ए लाडो बामली बड़ी कहां भागी जावे? मने गलेल तानी ता कव्वा उड़ गया, ओसु पकड़ने जा रही हो। भला कव्वा भी किसी के हाथ आवे का? इस घोट के मर्दां की तरह मारा कव्वा ओड़े और थारा कव्वा एड़े। किस से मिलवा के आई मारे महल की निकली ने? कसम है कजली ने अपने आग के कजले की, झूठ को ना बोलू, उसने शौक था मारी छोरी से मिलने का। इससे पहला उसका कहना जिद में बदलता, मन ने मिलवा दिया। तारे पेट में कीड़े पड़े के जो एक कोटे पे टिके कोड़ा रहने दे। जब पहली के कमरे में आना जाना था दूजी को भी आके क्यों लाया? मिलने मिलाने में हरज कौन है? सुनाने में नुकसान है। अब यो भी बता दे कि कहानी भी सुनाई तने अपनी छोरी से लेके मारे पूत तक। जी सही, वो पूछती गई मैं बताती गई, पता को ना लगा कब कहानी खत्म हो गई। कहानी तो अब शुरू हुई है। पहली बार एक लड़की के बोलने से तुम्हें मारा बोलना सुना को ना असर। कसम है जिस दिन बोल पड़ी ना इस महल में कोई मत थोड़ा बोलता। अब थारे बोलने पे मरने भी बोलना पड़ेगा। थारे सुनाने में और उसके मरने में फर्क जो आ गयो। अब उसकी नजर मारते मजलूम और मैं फिर जालिम बन गया। ऊंची उड़ान उड़ना अच्छी बात है, लेकिन ऊंची उड़ान से जब बंदा जमीन पे गिरे ना तो हाथ पैर सलामत को ना रवे। गिरने का डर उसने लागे जो कभी गिरा ना। हम गिरे तो इस महल में आए ना। थारे इशारे ना मारे मगज को गर्म करे, पर के करें आराम मचा है।
तुम्हारे दिल से भाग के है। फिर तो आ रुको, मने जान की इजाजत कौन दी तने? ना साईं, मने माफ कर दे। तरोवे है तो मने तरस आ जावे। इस गोठ की पहली रात से आज तक तने मेरे काफी हुकुम मानो है। एक हुकुम और मान ले। हुकुम साईं, हुकुम। अपनी छोरी ने मार दे, वो मर जावेगी तो कहानी सुनाना कोना पड़ेगी। लोग आप भी कहेंगे एक मां ने अपनी बुरी बेटी मार दी। बोल, मारेगी ना? मरने भी कोई मारे है भला? मारे कहने पे किया है इसने जो भी किया है, ये भी कर दिया है तो जिंदा रहने का हक तो दे दे। तैं यहां क्यों आई? मैं आई कौन लाए गई हूं दाम भर के। जब मारी माड़ी कोना जावे तो चली जाऊं महल छोड़ के। इसने मारी इज्जत के बिना जबान खोली है, उसकी सजा तो मिलेगी ना इसने? चल जान दे अब्बा सा। हमारी लुगाई है, पहली बार अपने ससुरे से कुछ मांगा है, देना तो पड़ेगा। बोल सखी, बोल सखी। चुनरिया पे मारी सफेदी है झाई, ओ मेहंदी फीकी पड़ गयो जिस दिन कटारी हाथ माई। आए आए। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।